नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और भाजपा नेता पवन बेनीवाल में इन दिनों जुबानी जंग चल रही है। अभय सिंह चौटाला ने पवन बेनीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका एक करिंदा चिट्टे का काम करता है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र और एलनाबाद में युवा चिट्टे की चपेट में आ चुके हैं। तो इस पर भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला पर पलटवार किया। पवन बेनीवाल का कहना है कि अभय सिंह चौटाला का मानसिक संतुलन इस समय खराब हो चुका है, उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। साथ ही अगर अभय सिंह चौटाला के पास कोई सबूत हो तो पुलिस को दे। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अभय सिंह चौटाला के बयान पर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन एवं भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने पलटवार किया। पवन बेनीवाल कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला का मानसिक संतुलन इस समय बिगड़ चुका है, अभय सिंह चौटाला को इलाज करवाना चाहिए। पवन ने कहा कि अगर विधायक जी के पास कोई सबूत है तो वो पुलिस को दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि इनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। विधायक जी भाभी जी ने उन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा करार दिया था, उनका सीधा इशारा नैना चौटाला पर था। पवन बेनीवाल ने कहा कि अब उन्हें इनेलो की हार की चिंता है, मुद्दे तो उनके पास किसी तरह के नहीं बचे, इसी के चलते वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पवन बेनीवाल ने कहा कि मुद्दों पर बात करें तो डिबेट करके देख लें, मैं तैयार हूं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। पहले तो इनको खुद की घर के अंदर झांके देखना चाहिए, इनको इनके घर की जो सीनियर इनकी भाभी जी है वो बड़े बड़े तगमे दे चुके हैं। इनको क्या बुलाते हैं, सबसे बड़ा गुंडा इस प्रदेश का वो घोषित कर चुके हैं उनको। दूसरा, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो और पुलिस का कोई महकमा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इनका और इनके परिवार का एक एक तगमा वहाँ पे सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है भी इन्होंने क्या क्या किया। तो मेरे कहने का मतलब, मेन मुद्दों पे आके उस पे राजनीति करें, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो पुलिस को दे। मैं, हमारी सरकार और हम एक एक चीज के लिए बाध्य हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हम कानून के पास जाए, हम कानून या पुलिस को पूरा कोऑपरेट करके हम एक एक चीज बताने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही अनाप शनाप बयान उनको नहीं देने चाहिए, इनको जाके कुछ बिजली के झटके लेके और अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, सेंटर में लाना चाहिए, फिर जाके ये बात करें। इनका दिमाग 3454 वोट लेके जींद में और अपने बेटे की और पार्टी के जितने भी इनके कैंडिडेट थे सबकी जमानतें जब्त करवा के ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इनको वो ठीक करना चाहिए। ऐसे ही हमारे साधु जैसे माननीय मुख्यमंत्री, जिन पे कोई लाचन नहीं उठा सकता, ये इतने गंभीर लाचन उठाता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर कोई कहना है तो आप कहो, राजनीतिक विरोध करो, कोई अच्छी बात कहो, वो तो अच्छी लगती है, लेकिन ये चीज़ें वैसे ये शर्म घेर चुके हैं। इनके शोभा दे ना दे, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता आज के दिन। तो यही थी मेरी बात। मेरी इनसे दोबारा हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना इलाज कराइए और कोई बात हो तो मेरे को बुलाएं, हम सामने डिबेट के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात बैठ के बात करो और ये कोशिश करके अपनी जमानत बचाने की कोशिश करें। पहले तो इनको खुद की घर के अंदर झांके देखना चाहिए, इनको इनके घर की जो सीनियर इनकी भाभी जी है वो बड़े बड़े तगमे दे चुके हैं। इनको क्या बुलाते हैं, सबसे बड़ा गुंडा इस प्रदेश का वो घोषित कर चुके हैं उनको। दूसरा, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो और पुलिस का कोई महकमा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इनका और इनके परिवार का एक एक तगमा वहाँ पे सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है भी इन्होंने क्या क्या किया। तो मेरे कहने का मतलब, मेन मुद्दों पे आके उस पे राजनीति करें, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो पुलिस को दे। मैं, हमारी सरकार और हम एक एक चीज के लिए बाध्य हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हम कानून
के पास जाए, हम कानून या पुलिस को पूरा कोऑपरेट करके हम एक एक चीज बताने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही अनाप शनाप बयान उनको नहीं देने चाहिए। इनको जाके कुछ बिजली के झटके लेके और अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, सेंटर में लाना चाहिए, फिर जाके ये बात करें। इनका दिमाग 3454 वोट लेके जींद में और अपने बेटे की और पार्टी के जितने भी इनके कैंडिडेट थे सबकी जमानतें जब्त करवा के ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इनको वो ठीक कराना चाहिए। ऐसे ही हमारे साधु जैसे माननीय मुख्यमंत्री जिन पे कोई लाचन नहीं उठा सकता, ये इतने गंभीर लाचन उठाता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर कोई कहना है तो आप कहो, राजनीतिक विरोध करो, कोई अच्छी बात कहो, वो तो अच्छी लगती है, लेकिन ये चीज़ें वैसे ये शर्म घेर चुके हैं। इनके शोभा दे ना दे, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता आज के दिन। तो यही थी मेरी बात। मेरी इनसे दोबारा हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना इलाज कराइए और कोई बात हो तो मेरे को बुलाएं, हम सामने डिबेट के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात बैठ के बात करो और ये कोशिश करके अपनी जमानत बचाने की कोशिश करें।